hello students, welcome back. let's continue with our chapter number 20, paragraph writing. so let's start. chapter number 20, paragraph writing. a scene at the hospital. So here is the yapa topic, a paragraph. a scene at the hospital. hospital ka scene. last sunday, i went to the kmc hospital. one of my relatives were admitted there. the hospital was neat and clean. it had a big building.

ड इन हिज ओन माइंड द स्वीपर्स फर स्वीपिंग द फ्लोरस पूरी शांति थी हॉस्पिटल में नर्स इधर से उधर जा रही थी डॉक्टर्स चेकअप्स कर रहे थे कोई वहाँ पर ऐसे फिजूल में हंस नहीं रहा था सब अपने अपने काम में बिजी थे स्वीपर्स फ्लोर साफ कर रहे थे द नर्स फर गिविंग मेडिसिन टू तो द पेशेंट्स नर्सिस मेडिसिन दे रही थी पेशेंट्स को

डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पर जो लोग होते हैं उन्हें राइट होता है अपने लिए गवर्नमेंट चुनने का वोट करके इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री शी हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट द पार्लियामेंट टू हाउसेस दे आर द लोकसभा एंड द राज्यसभा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा द लोकसभा इज द लोअर हाउस द राज्यसभा इज द अपर हाउस द मैक्सिमम टर्म ऑफ द लोकसभा इज फाइव ईयर्स द राज्यसभा इज परमानेंट हाउस लोकसभा की जो मैक्सिम टर्म है वो फाइव ईयर्स है और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है बट वन थर्ड ऑफ इट्स इन देयर प्लेस तो इनमें से जो वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स हैं वो हर दो साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं

वी हैव अ लॉन्ग रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन विद गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ ब्राइट तो यहाँ पर एक जुडिशरी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है और जस्टिस देती है लोगों को और ऐसे ही आ, हमारी इंडिया में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के लिए और जो हमारी इंडिया का फ्यूचर है डेमोक्रेसी वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है मतलब हमारे इंडिया का डेमोक्रेसी में फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन टॉपिक पर अपने थॉट्स, अपने व्यूज लिख सकते हैं कम वर्ड्स में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नाउ टाइम टू आंसर राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक्स अब यहाँ पर आपको कुछ पैराग्राफ्स के टॉपिक्स गिवन है तो आपको इन पर पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करनी है हमारा चैप्टर नंबर ट्वेंटी फिनिश हो गया है होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे